माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे की सेहत हमेशा अच्छी रहे और इसलिए वे बच्चों के खान पान पर पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन माता पिता को अक्सर इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है कि बच्चे को गाय का दूध पिलाया जाए या भैंस का दूध। दूध बच्चे के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और काफी सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिससे बच्चों की वृद्धि और उसकी डेवलपमेंट होती है। तो चलिए ऐसे में आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर बच्चों के लिए गाय का दूध सबसे अच्छा है या भैंस का दूध। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लाइफ और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। गाय के दूध में भैंस के दूध से कम फैट होता है, जिसके चलते ये हल्का और पचने में ज्यादा आसान है। वहीं दूध के गाढ़ेपन की बात की जाए तो गाय का दूध भैंस के दूध से ज्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए ज्यादातर दही, पनीर, खीर, कुल्फी, रसमलाई और रसगुल्ला आदि बनाने में भी गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। बात जब भैंस के दूध की हो तो इसमें गाय के दूध से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन बहुत छोटे बच्चों के लिए इस दूध को पचा पाना मुश्किल होता है। ये भी एक कारण है कि एक साल के बच्चों को भैंस के दूध की बजाय गाय का दूध पिलाया जाता है। वहीं भैंस के दूध में गाय के दूध से ज्यादा फैट होता है, जिसके चलते बहुत छोटे बच्चों के लिए भैंस का दूध पचा पाना मुश्किल हो जाता है। बच्चे की छोटी उम्र में गाय के दूध को पिलाना ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये पचाने यानी कि डाइजेशन में आसान है और वहीं बच्चों की हेल्थ के लिए बेहतर भी है। भैंस के दूध में गाय के दूध से ज्यादा पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम और फैट पाया जाता है, लेकिन जब बात इसे पचाने की आती है तो बच्चे के पेट के लिए ये उतना अच्छा साबित नहीं होता। इसलिए कहा जा सकता है कि बहुत छोटे बच्चों को गाय का दूध पिलाना अच्छा है, क्योंकि यह पचने में आसान है और बच्चों को हाइड्रेट भी रखता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही है हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।